अभी मैडम ने बताया कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और आज ये कुछ बेटियां कुछ महिलाएं ये जंतर मंतर धरना दे रही हैं, तो आपका क्या कहना है? पहले हमारे माननीय मोदी जी को इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा है कि जो चीज़ वो उन्होंने कहा अपने मुखारविंद बेटी पढ़ाओ एक तरीके का नारा ये लगा रहे हैं हमारे माननीय मोदी जी, और एक तरीके से वही क्या हम उनकी बेटियां नहीं हैं? यहां पर हम आए तो हमारी बातों को उनको समझना चाहिए कि आखिर इतना ये सारा काम छोड़कर अपने परिवार बाल बच्चों को 1400-1600 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर से दूर आ रही हैं अपनी बात को रखने के लिए, तो उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है। आपका क्या नाम है? कविता कुशवाहा, मैं सोनभद्र जिले से हूँ। हाँ। तो इसलिए उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है, लेकिन उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब हम किसी तरीके का काम करते ही नहीं हैं तो हमको काम में लगाते क्यों हैं? अगर हम पोषाहार अगर चोर ही करते हैं तो पोषाहार हमको देते क्यों हैं? प्रधान को दे दिया जाए, हम लोग को थोड़ा सा लालच नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात अपनी कह देना चाहते हैं कि समान कार्य का समान वेतन उनको देना चाहिए हमें, क्योंकि समान कार्य का समान वेतन हमें नहीं दे रहे हैं। अगर ये सब चीज़ पोलियो हो गया, बीएलओ हो गया, हमारी आशा बहुएं की बात आ रही है ना कि ये करती हैं ये भी कहती हैं, ठीक है, लेकिन ये बताइए कि उनकी भर्ती कितने पर हुई है? मात्र 8 पास। और अगर 8 पास पे उनकी भर्ती हुई है और वही ये सब काम कर सकता है जो हाई स्कूल इंटर की डिग्री रखने वाला व्यक्ति, हमें कहा जाता है कि किसी में नहीं है। हम कहते हैं कि एक मजदूर की मजदूरी भी मनरेगा के तहत दी जाती तो शायद समथिंग कुछ 376.80 पैसे के समथिंग कुछ अभी थी हमारे जानकारी में, जो तो ये भी एक कुशल मजदूर की मजदूरी है। मजदूर भी हमारे न्यायालय कहता है कि 3 प्रकार की होती है, ये एक कुशल मजदूर की और एक अर्ध कुशल मजदूर और एक अकुशल मजदूर। तो हम कहते हैं भाई साहब ठीक है, आप नहीं देते हो कुशल मजदूर की मजदूरी, हमको अर्ध कुशल ही दे दो, उसमें भी 346.50 रुपये है, आप हमको वो भी नहीं देते, अब अकुशल पे आ जाओ जो पा रहा है मेहनत कर रहा है लेकिन वो संतुष्ट नहीं है दिन भर के 332.20 रुपये। तो आप बताइए मोदी सरकार, हमें आप 332 रुपये भी नहीं दे रहे हैं, एक अकुशल मजदूर है जो दिन भर मेहनत करता है खुश नहीं है वो भी मजदूर नहीं देना चाहते, आखिर आप आंगनबाड़ी को किस तरीके का आप पद देकर काम करवाना चाहते हैं? आप भी हमसे बताओ कि मैं ये समझता हूँ। और अगर कहते हैं कि ये सोशल कार्यकर्ता है सोशल वर्कर है तो सोशल वर्कर वही काम कर सकता है जो आज के डेट में एक हाई स्कूल इंटर बीए की डिग्री रखने वाला वही इस समाज को जागरूक रख सकता है, दूसरे की बस की बात ये नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब कि अगर हमको सोशल वर्कर भी कहता है तो हमें इतना दिया जाए कि हम अपने बच्चों का पेट भरण कर सकें, तो वो भी कम से कम मनरेगा के मजदूर से मजदूरी भी गई, लास्ट मजदूरी 3 प्रकार के मजदूर में अकुशल मजदूर की मजदूरी हमको दे दे 332.20 रुपये के समथिंग में कुछ ऐसा है तो वो भी हमको दे दें, उससे भी हम संतुष्ट हैं, लेकिन किस प्रकार का हमसे काम करवा, जब फर्जी है तो काम क्यों देते हैं? काम करवाते हैं, हर चीज़ को मुक्त हमने कराया और नाम आता है, क्या नाम आता है आंगनबाड़ी का कि आपने पोलियो भारत से मुक्त कराया? नहीं आता है। तो ये बात हमारे मोदी जी को माननीय मोदी जी को समझ में नहीं आ रही क्या? आज महिलाएं रोड पर उतरी हैं, इनको पता चल जाएगा, अगर 4 तारीख को हमारे 10,000 का जियो नहीं आया तो हम बता देंगे कि हम भारत की नारी फूल नहीं चिंगारी और क्या कर सकते हैं, ये सबको इस बात का एहसास 4 तारीख को मैं लखनऊ में इस बात का एहसास कराऊंगी सारे कार्यों का बहिष्कार करते हुए।